अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल चाल है? ठीक भाई। यार मैं तुझे कब से देख के यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ, तू कभी उधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, लेकिन कोई परचेज नहीं कर रहा तेरे से। बस इधर ही बस घूमता फिरता रहता हूँ, बिक जाते हैं कभी नहीं बिकते। रोज के कितने के तू ये बेच के जाता है? बस बेच ले तो 10-12 पीस। 10-12 पीस तो कितने का एक पीस बेच रहे हो? एक पीस 150 का भाई। उधर बस हो जाता है? नहीं होता, 1200 बनता है, 100-100 के तो लोग सब लेते हैं। रोज का 1200 बनता है तो पीछे से कितने का पड़ता है एक पीस? पीछे सब भाई भी पड़ता है 60-70 का पड़ता है। 60-70 का पड़ता है। अब एक गर्मियां चल रही हैं, लोग इसे यूज़ कर रहे हैं, लोग इसको परचेज कर लेते हैं, लोगों ने गर्मी की ज़रूरत है ये। तो सर्दियों में क्या काम करते हैं? सर्दियों में मैं 30 बेचता हूँ। रोज़ का उसका कितना बन जाता है? उसका बन जाता है कोई 1200-1300, वो भी 10-20 की लेते हैं लोग। 1200-1300 बन जाता है। तो 1200-1300 में से एक कमा के उसमें से जो जितने के पैसे लगाए होते हैं पीछे खरीदा होता है तो वो निकाल के कितना प्रॉफिट बचता है? फिर 200-300 बचता है, वो निकाल के उसका पैदा फिर लगाना पड़ता है। 300 रुपये मैं कमा के लेकर जाता हूँ। अच्छा, 300 रुपये कमा के लेके जाता है सौदे का, 700-800 निकाल के। तो क्या कहना चाहता है? रोटी शोटी खाई हुई है? कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं रहता हूँ ठोकर न्यास बेग। ठोकर न्यास बेग पे रहते हो? वहाँ से कैसे आते हो यहाँ पे? वहाँ पे रश ट्रेन पे, और ट्रेन से इधर रश के पे। कितने पैसे दे के यहाँ पे आते हो? 120। तो रोटी शोटी का, पानी शानी का क्या इंतज़ाम है? क्योंकि आप कमाने निकले हो, 200-300 कमा रहे हो। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आप कुछ खा पी के बैठ सकते हो। अगर बैठ जाओ तो 400-500 तो आपका वहाँ निकल जाएगा। ठीक है, तो फिर खाना पीना कहाँ से रखते हो? बस इधर दाल चावल वाला है, उससे 100 के चावल खा लेते। वो पक्का उसके साथ कंफर्म हुआ है? हाँ जी। अच्छा, मतलब वो आपकी हेल्प कर देता है। तो वैसे जैसे मैं आज लेके बैठ गया हूँ आपको, ऐसे कोई किसको बैठा है आपको लेके कि यार आओ मैं रोटी खिलाता हूँ आपके लिए, कुछ पैसे का इंतजाम, कोई भी आपके लिए हेल्प वगैरह कोई करते हैं? करता ही नहीं, मैं इधर बहुत मेहनत की है, बस सारों को खिलाया। इधर मांगने वाले बहुत हैं, उनको बस दे देते हैं, बस गुजर के जाता हूँ। मैं तो बस बताता हूँ लेना अपने दोस्तों पर, वो बोलते हैं नहीं लेना, तो मैं जाता रहता हूँ। जो आते मांगने वाले वो के उसको बोल देते हैं। कितने सालों से ये काम कर रहे हो? मुझे हो गया 3 साल। 3 साल से लगातार ये काम कर रहे हो? गर्मियों का ये कर रहा हूँ, सर्दियों का पतीसा बेच रहा हूँ। मतलब 3 साल हो गए हैं, 3 साल से यही काम में लगे हुए हो। तो पढ़ाई कहाँ तक की है? पढ़ाई नहीं की। क्यों नहीं की? बस माँ बाप ने नहीं। माँ बाप कहाँ पे हैं? वो उधर किस जगह से हो? ठोकर न्यास बेग। वाली साहब हैं, वो क्या करते हैं आपके? वो भी मेरे साथ वो दूसरे यतीम खाने में पतीसा बेच दूँ। अच्छा जी, ये सूरत हाल है जी। कोई कहता कि 200-300 रुपया मैं कमा लेता हूँ, 1200 की सेल होती है, उसमें से 700-800 रुपये निकाल के जो इसने खरीदो फरोख की होती है, अपना आने जाने का रक्षा का रेंट निकाल के ठोकर न्यास बेग से आता है यहाँ पे, तो वो निकालने गुल के तो 300 रुपया प्रॉफिट लेके जाता है। अब आप मुझे बताएं 200-300 के प्रॉफिट के अंदर ये क्या करता होगा? तो मैंने इसको बेचते हुए देखा तो मुझे लगा कि यार जो इस तरह के काम करने वाले हैं ना, पूछना चाहिए कैसे अपना गुजर बसर कर रहे हैं इतनी महंगाई के अंदर। कोई खाना शाना खाएंगे? बताओ, मैंने भी आपके साथ खाना है। मैंने भी आपके साथ खाना है, बताओ क्या हो गया? बोतल मंगवाए, बर्गर मंगवाए, पिज्ज़ा मंगवाए, क्या हो? मैं बर्गर नहीं खा रहा, रोटी खा रहा हूँ। अच्छा, ये मैं खरीदूँगा आपसे, मुझे कितने का दोगे? नहीं बताओ मुझे कितने का दोगे? 120 दे देंगे। टोटल कितने पीस हैं? ये टोटल 40 पीस है। कितने पैसे बनेंगे 40 पीस के? 40 पीस हो गए भाई, बनेंगे कम से कम आप 180 के हिसाब से लगा जी। दाल चावल लगाता है यहाँ पे कोई? वो कहता है मैं दाल चावल यहाँ पे बैठ के खाता हूँ, तो वैसे मैं अपने पैसे से खुद खरीद के कोई चीज़ नहीं मैं ले सकता। ये मुझे दे दो यार, ये 2 दे दो। कि यार इस तरह की चीज़ें इनसे लो ताकि इनका भी फ़ायदा हो, अगर नहीं चाहिए एटलीस्ट उनकी हेल्प करके जाओ आप। अब मैंने मेरी अपनी ज़रूरत के मुताबिक मैंने इनसे 2 ले लिए ताकि मैं घर पर ईजिली यूज़ कर सकूँगा। शाम ऑर्डर करें, बोतल कौन सी पियोगे? कोक दे दूँ। अच्छा मुझे बताओ कि अभी इसके बाद कब घर जाओगे वापस? इसके बाद मैं रात को 1-12 बजे जाता हूँ। तो ये मार्केट तो 10 बजे बंद हो जाती है, आप 12-1 बजे तक क्या करते रहते हो? वो रेंज स्टोर पे मैं फिरता हूँ, मोबाइल बाइक पर चक्कर लगाता रहता हूँ बस। तो वहाँ पे कितने सेल कर लेते हो? हो जाएगी बस, उधर किस्मत की बस बैठा रहता हूँ, कोई गाहक बोल के जाता है मैं वापस आन के ले जाऊँ, लेके जाते हैं। मैं भीख नहीं मांगता, मैं अपना कारोबार करता हूँ, फिर भी लोग समझे तो भीख मांग रहा है, मैं भीख मांगता ही नहीं। जब मैं आपसे पूछता हूँ भाजी लेना है, ले तो लेने भाजी, नहीं तो मैं जा रहा हूँ बस, फिर वो बदतमीजी कर रहे हैं भाई। मैं बोल रहा हूँ भला कर रहे ला, कोई नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद? उसके बाद मैं चला जाता हूँ बस, चुपचाप चला जाता हूँ, बेइज्जती भी कर लेते हैं फिर भी मैं चला जाता हूँ। अच्छा जी, इनका कहना है कि मैं भीख नहीं मांगता, मैं चीज़ सेल करके हलाल की रोज़ी रोटी घर लेकर जाता हूँ। तो फिर आपका अब क्या सोचा है आपने कि अगर कोई नहीं ले रहा? कभी ऐसा दिन भी आया होगा कि आपकी कोई चीज़ नहीं बिकी, आप फिर भी खाली हाथ घर जा रहे हो, ऐसा कभी हुआ है? या पास से पैसे लगा के रिक्शे पे आए हो आप और खाली हाथ घर जा रहे हो, ऐसा कब हुआ? एक बार खाली हाथ घर गया था। अच्छा। वो भी लिफ्ट मांग कर ही गया।
लिफ्ट मांग के गए थे, तो कोई दे देता लिफ्ट आपको इजीली? एक बार मिले थे पर सीधा ठोकर में जाकर मिले, उधर से मैं पैदल चला गया ना। अब मुझे बताओ कि आपको मैंने कितने पैसे देने हैं इसके? आपने 160 देना भैया। अच्छा जी, आप ये बताओ, ये आपकी मेहनत का फल मिला आपको, ठीक है? मेहरबानी है आपकी, बहुत शुक्रिया भैया। मैं आप सच बताऊँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी, ये मैंने आपसे ऐसे ही लिया, लेकिन इसको ज़रूरत में लेके आऊँगा मैं। ओके हो गया मेहरबानी, चलो जाओ, अल्लाह हाफिज़, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया, ठीक है? चलो जाओ जी, खैर से जाओ अगर आप। तो यार जैसा कि देखा आपने कि मेरा आज यहाँ पे आना, उस बच्चे को खाना खिलाना, मेरा मकसद ये नहीं था कि यार आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग कहेंगे सब दिखावा हो रहा है जैसे कि लोगों को बातें करते हैं, लेकिन यार ये दिखावा नहीं था, ठीक है? मैं भी ऐसे किसी की वीडियो देख के ना मोटिवेट हुआ था, तो मुझे भी ये मौका मिला कि आज मैं उस बच्चे को कुछ खिला सकूँ, और ऐसे ही मैंने रोज़ के रोज़ जो है ना, हर वीडियो में मैं किसी ना किसी की हेल्प लाजमी करूँगा, क्योंकि आप इसको दिखावा समझें या जो मर्ज़ी समझें, उसको खिला रहा है, पैसे सबके सामने दिखा रहा है, किसी की हेल्प करनी है, लोग बहुत बोलते हैं, लेकिन मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोगों ने भी अगर किसी की हेल्प करनी है तो वीडियो से रिलेटेड ही, वीडियो की खातिर एटलीस्ट किसी की हेल्प तो करो। मैं खुद जैसे किसी से देख के मोटिवेट हुआ था, और आज मैं मुझे इस मुकाम पर पहुँचूँ कि मैं खुद किसी की हेल्प करूँ आज।